Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut में शुक्रवार देर रात अलग-अलग स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुईं, जिसमें लाखों रुपए का माल जल गया। दोनों ही मामलों में दमकल टीम प्रथम कारण शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह मान रही है। हालांकि व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए तहरीर दी। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बहलोल निवासी विकास ने जागृति विहार स्थित सेक्टर 8 में सब्जी के खोके लगा रखे हैं। प्रतिदिन की तरह विकास शुक्रवार रात खोका बंद कर चला गया था। देर रात पुलिस ने विकास को सूचना दी कि खोके में आग लग गई, जिसका पता चलते ही विकास घबरा गया। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और दमकल विभाग के साथ आग बुझाने में जुट गया। करीब एक घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। मेडिकल क्षेत्र की कीर्ति पैलेस से 100 मीटर की दूरी पर खोका है। विकास का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इसके बाद आरोपी आराम से फरार हो गए। वे फरार होते समय मार्केट में लगे CCTV में कैद हो गए। विकास ने घटना के संबंध में तहरीर दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।